तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपने डेटा को, अपने सीट को प्रोटेक्ट करने का। जैसे हमारे पास सीट वन में कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कोई भी पर्सन इस डेटा को चेंज ना कर सके, व्यू कर सके, प्रिंट ले सके, कॉपी कर सके, बट कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को चेंज ना कर सके। तो उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो सीट का नाम है उसी सीट के नाम पर आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करते समय होते ही आपको प्रोटेक्ट शीट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोटेक्ट शीट, उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहां पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा, अब पासवर्ड डाल, पासवर्ड डालते ही ध्यान रखिएगा, आप चाहे एक्सेल के किसी भी तरह का पासवर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। कि आपका पासवर्ड जो है रिकवर नहीं होगा, मतलब कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने का ऑप्शन नहीं है। ये साफ साफ माइक्रोसॉफ्ट यहां बोल रहा है कि इफ यू लॉस और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। तो पासवर्ड ऐसा रखे जो आपको हमेशा याद रहे। पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके, हमने यहां पे पासवर्ड अप्लाई कर दिया। पासवर्ड अप्लाई करते ही यहां पे देखिए कि बहुत सारे ऑप्शंस डिसेबल होंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन प्रोटेक्शन के बाद अप्लीकेबल नहीं होते। अब मैं यहां पे किसी भी तरह के चीज को चेंज करने की कोशिश करूं तो चेंज नहीं होगा। हाँ, इसको मैं प्रिंट दे सकता हूं, मैं इसको कॉपी कर सकता हूं। तो पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है कि किसी भी तरह इसको कॉपी करना, समझ गए? कुंदन जी चले गए क्या? विक्रम जी समझ में आया? हाँ कुंदन, हेलो, कनेक्ट तो हुए थे आप? फोन को रीस्टार्ट करके देखें। विक्रम जी समझ में आया आपको? प्लीज वेबकैम विक्रम जी, हेलो, हाँ हेलो, क्या बोल रहे सर? मैं समझ में आया आपके जी? हाँ आया, ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन हमारे इस डेटा को कॉपी ना कर सके, कोई भी पर्सन कॉपी, मैं कॉपी को रिमूव करना चाहता हूं, ठीक है, कि कोई भी हमारा पर्सन हमारे इस डेटा को कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक्सेल के अंदर में कि आप कॉपी को रिमूव नहीं कर सकते, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो क्या करें, तो कॉपी ना करने का एक और तरीका है, मतलब कि कॉपी करने के लिए हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम सिलेक्शन को ही रिमूव कर दें तो ना सिलेक्शन होगी ना कॉपी होगा। तो मैं यहां सीट पे राइट क्लिक करके पहले मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं। अनप्रोटेक्ट करने के बाद जब मैं वापस प्रोटेक्ट करूंगा तो आप यहां देखिए कि अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट, यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है कि ये ऑप्शंस क्या है कि पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेट सेल कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद हम देखिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं बट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे ये अलाउंस है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। इसमें डिफॉल्ट जो है सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल।
अब लॉक सील क्या होता है और अनलॉक सील क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम इतना जानते हैं कि सिलेक्शन है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के बाद हम एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम, हमने कॉपी नहीं हटाना है तो हमने सिलेक्शन हटा दिया, मतलब कि पासवर्ड देने के बाद हम कहीं कॉपी नहीं कर सकते, कहीं क्लिक ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, जब कहीं क्लिक नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, और सिलेक्शन होगा नहीं तो हम कॉपी क्या करेंगे। सिंपल सी मेथड है, समीर जी समझ में आया आपको ये कॉपी डिसेबल कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कि मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना। अभी जैसे कि इससे पहले हमने सीट वन में प्रोटेक्ट किया तो ये पूरा एरिया प्रोटेक्ट हो गया, पूरी सीट। हम चाहते हैं कि पूरी सीट प्रोटेक्ट हो लेकिन ये कलर्ड एरिया हमारा प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कलर एरिया प्रोटेक्ट ना हो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम आपसे बताते हैं आपको। सबसे पहले हम यहां जब पासवर्ड डालते हैं तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेन ऑफ लॉक सेल, मतलब जो लॉक सेल है उसी पे पासवर्ड अप्लाई करता है। अब लॉक और अनलॉक क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। क्या हुआ शंकर जी, सॉरी सर। तो हर एक सेल की अगर हम बात करें फॉर्मेट में, राइट क्लिक अगर फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन वाले पार्ट में, हर एक सेल के प्रोटेक्शन वाले पार्ट पे आप जाओगे तो ये लॉक क्लिक है, तो जिस भी लॉक पे क्लिक है वो सेल लॉक है और जिसकी लॉक मैंने हटा दी अनलॉक है। मतलब कि हमने इस कवर येलो एरिया जो है उस पर क्लिक किया और हमने फॉर्मेट सेल पे गया और मैंने इसकी लॉक को हटा दिया। अब मैंने इसकी लॉक को जब हटा दिया तो क्या हुआ, ये एरिया अनलॉक हो गया। मतलब कि ये येलो एरिया अनलॉक है और बाकी एरिया लॉक है। मैं राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं और जितना एरिया हमारा लॉक्ड है उस पे पासवर्ड डालता हूं। अब यहां पे एक चीज देखिए क्या है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, येलो एरिया तो अनलॉक्ड है क्योंकि फॉर्मेट सेल की प्रोटेक्शन पे जाके लॉक्ड वाले चेकबॉक्स को मैंने अनचेक कर दिया है इसलिए। तो पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि प्रोटेक्शन बाकी सारे एरिया पे अप्लाई होगा बट इस एरिया पे अप्लाई नहीं होगा कि इस पे आप, हालांकि हाँ इस पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो, बाकी चीजें तो डिसेबल ही रहेगा। ठीक है कुंदन जी। यस सर। समझ में आया, आ गया था पहले वाला नहीं था। अब मैं इसी को उल्टा करना चाहता, उल्टा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखा तो मैं चाहता हूं कि ये एरिया मेरा लॉस्ट हो और बाकी एरिया अनलॉक्ड हो। मतलब जैसे कि हमने बोला कि हम सिर्फ इतने एरिया पे काम कर पा रहे हैं
बाकी एरिए पे मैं काम नहीं कर पा रहा, राइट। तो बाकी एरिए पे काम कर सकूं, सिर्फ इस एरिए पे काम नहीं कर सकूं। तो हमने हम जैसे बोलते हैं कि हर सेल डिफॉल्ट हमारा लॉक्ड होता है, मतलब कि वो पासवर्ड को प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी सेल को, पूरी की पूरी शीट को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और मैं इसको लॉक को हटा दिया। तो पूरी सी पासवर्ड डालने के बाद पूरी सीट पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर एरिया पे हम टाइपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल, और हमने इसको लॉक सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं इस पे पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट शीट करूंगा और इस पे पासवर्ड अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा कि यहां पे काम होगा बट यहां पे काम नहीं होगा। सही है, ठीक है। नहीं हो गया। अब दूसरा हम एक और इसी दोनों को की जो नॉलेज है उस नॉलेज को मिक्सअप करके एक चलिए एक काम करते हैं। जैसे मैंने यहां पे दिया नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, टैक्स, कमीशन, टोटल, डेट, टाइम। ठीक है, अब मैं चाहता है कि यहां पे मैं कुछ डाला और यहां पे कुछ डाला और हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर हमने टैक्स के लिए इसका 18% ले लिया, कमीशंस इसका 2% और टोटल में हम यहां पे इसको सम करते हैं। और डेट, टाइम और डालते हैं। तो हमें इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है। अभी इसको मान लीजिए कि ये हमारा कैलकुलेटिव एरिया है, हमने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहां पे मैं लिखता हूं ओम और कोई भी टाइपिंग करता हूं तो मुझे क्या होता है कि बाकी कैलकुलेशन अपने आप आ जाता है और मुझे इसको यहां तक जाना पड़ता है और फिर यहां पर डेट और यहां पर हम टाइम डालते, ठीक है। ठीक है, क्लियर है।
तो मैं चाहता हूं टाइम बचाना, ये जो टाइम है इस टाइम को हम बचाना चाहते, तो कैसे बचाएं? चलिए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। तो इसके लिए हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसके फॉर्मेट सेल पे गए और इसका लॉक को अनलॉक कर दिया। और जितने एरिया में हमारा फॉर्मूला लगा था उतने एरिया में गए, राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट फॉर्मेट सेल और वापस इसको लॉक लगा। ठीक है, अब पास ये सब अप्लीकेबल कब होगा? जब इस पे हम पासवर्ड डालें। तो प्रोटेक्ट शीट किया एंड ओके किया, तो पासवर्ड कंफर्म किया। अभी देखिए अब मुझे क्या करना है, अब पास नहीं, हमने एक गलती कर दिया, मैं वापस अनप्रोटेक्ट करता हूं कि पासवर्ड डालते समय हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि सिलेक्ट लॉक सेल को जो है सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। और फिर पासवर्ड डाल के हम ओके करेंगे तो क्या होगा कि मैं यहां पर लिखूंगा मान लीजिए कविता और यहां पर हमने डाला और यहां पर डाला, देख रहे हैं? तो कर्सर डायरेक्ट यहां जंप कर गया, कर्सर कहां जंप कर गया, डायरेक्ट यहां जंप कर गया। ठीक है, और फिर डेट एंड टाइम देखिए, हमारा काफी टाइम बच गया। मैं इसको अगर अलग अगर आसान चीजों में बताऊं तो सिंपल समझ लीजिए कि मैं किसी से कोई फॉर्म होता है कि नेम यहां पे हम लिखते हैं रोल और यहां पे लिखते हैं मार्क्स, और फिर इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां पे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पर जो एंटर मारू तो डायरेक्ट यहां एंटर हो जाए, फिर यहां से डायरेक्ट यहां, तो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और हमने इसको लॉक को हटा दिए ताकि हम टाइप कर सकें। फिर मैं राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे, और हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया और साथ में अनलॉक सील को हटा दिया। अब मेरा कर्सर एंटर मारने के बाद देखिए यहां से यहां जम करेगा, मतलब कि जहां टाइप करना है हमारा कर्सर वहीं पे रहेगा, जहां पे हमारा टाइप नहीं करना है वहां से कर्सर नहीं हिले। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, किसी को डाउट? अब मैं अगला टॉपिक करना जा रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरा फॉर्मूला कोई ना देखे, कि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स मैंने टाइप किया और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरा फॉर्मूला ना देख पाए, जैसे मेरे कोई सम का फॉर्मूला है, किसी तरह का फॉर्मूला मैंने लगाया, वो फॉर्मूला कोई नहीं देख, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और मैं लॉक के नीचे हिडन है
हिडन में क्लिक करूंगा एंड ओके कर, हिडन में हिडन करेंगे और हम यहां ओके कर। लेकिन एप्लीकेबल कब होगा, जब मैं इस पर पासवर्ड डालूंगा। तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे गया और यहां पे पासवर्ड डाल के ओके कर। देखिए फॉर्मूला गैप, यहां पे जाएंगे तो दिखेगा लेकिन यहां पे आपको नहीं दिखेगा। अब अगले एग्जांपल की बात आती है कि मैं एक ही सीट पे, एक ही सेल में, मतलब एक ही शीट पे दो अलग अलग, हमारे पास जो दो अलग अलग सेल्स है, दो अलग अलग चीजों पे हाँ हम बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये मिस्टर ए का है और ये हमारा मिस्टर बी का है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए पे कोई और बंदा टाइप करे तो मिस्टर बी पे ना करे, मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर ना करे। तो इन सबको सिलेक्ट कर, इनको पहले को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ रिव्यू में और यहाँ है अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज, इस पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे एंड ओके डालेंगे। अब बी के लिए भी न्यू पे जाएंगे और यहां से अपनी सिलेक्शन को चेंज करेंगे, बी का एरिया सिलेक्ट करेंगे, बी के लिए अलग बी का पासवर्ड डालेंगे एंड ओके करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। अभी देखिए कि अभी वर्किंग है, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट शीट पासवर्ड डालूंगा एंड ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया। अभी क्या होगा कि जैसे मैं इस पे टाइप करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया तो मैं इस पे आप काम कर सकता हूं, बट जैसे मैं इस पे काम करने जाऊंगा मुझसे अगेन पासवर्ड पूछेगा। और पासवर्ड जो बी के लिए अलग वही डालना, मैं ए का पासवर्ड डालूंगा तो ये काम नहीं करने देगा, बोलेगा कि नहीं पासवर्ड इनकरेक्ट। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5 एरिए को अलग अलग पासवर्ड से आप लॉक कर सकते हैं। अब पासवर्ड की बात हुई तो अभी तक जो भी हमने प्रोटेक्शन किया और सीट के अंदर किया, अब मुझे सीट के बाहर की प्रोटेक्शन कैसे करनी, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, तो इस पे राइट क्लिक, माफ कीजिएगा, क्योंकि इस पे राइट क्लिक करने पर देखिए डिलीट कर सकता हूं, इंसर्ट कर सकता हूं, ये सारी चीजें कर सकता हूं। प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहां पे वर्कबुक पे आता हूं, मैं यहां पे वर्कबुक पे आता हूं और यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं, पासवर्ड को अगेन करता हूं। अभी क्या हुआ कि मैं पास किसी भी सीट को ना डिलीट कर सकता हूं, ना नया सीट इंसर्ट कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है सर, अब
बात करते हैं फाइल की ओपनिंग पासवर्ड। जैसे बिल्कुल नया फाइल अगर सेव कर रहे हो, अब चाहते हैं कि फाइल में पासवर्ड डालो ताकि ओपन हो सके, तो उसके लिए सेव एज करते समय टूल्स के अंदर में जनरल ऑप्शन में आप पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई दे सकते हैं। पासवर्ड टू ओपन से क्या हुआ कि आपकी फाइल ओपन होगी, बगैर पासवर्ड की ओपन नहीं होगी। पासवर्ड टू मॉडिफाई में क्या हुआ कि अगर आपने रीड ओनली रिकमेंड कर दिया तो क्या हो गया कि अगर मॉडिफाई पासवर्ड से याद नहीं है तो रीड ओनली में इस फाइल को खोल सकता है। ये चीज इसके लिए होती है, बट फाइल को इसके लिए सेव एज करना पड़ेगा। बट आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आप सेव एज नहीं करना चाहते हैं तो न्यू पे जाइए, नहीं इन्फो में, इन्फो में यहां पे देखिए आपके पास है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इससे क्या हुआ कि आप अपने फाइल को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल दीजिए तो बिना पासवर्ड डाले आपका फाइल ओपन नहीं होगा और आपका फाइल नहीं खुलेगा। ठीक है सर, तो डाउट इसमें समझ गया सर। ये थी हमारी प्रोटेक्शन मेथड, इस पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।